रही है। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं रीट मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। सवाल यह है कि सीबीआई जांच की आड़ में रीट लीक्स का मुद्दा क्या केवल विपक्ष के लिए सियासत रह गया है? सवाल यह भी है कि रीट मामले पर विपक्ष को एसओजी जांच पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है? इन सब के बीच रीट को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से पूछा है कि रीट पेपर लीक का सरकार में बैठा असली किरदार कौन है, तो वहीं गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने सवाल उठाया है कि गुजरात में पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं हो रही है, तो वहीं सतीश पूनिया ने कहा है कि सरकार आखिर सीबीआई जांच से डर क्यों रही है। सदन में प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में ये कहा कि प्रतिपक्ष का सरदार कौन है, मैंने आज उनसे पूछा है कि रीट के प्रश्न पत्र चोरी का मंत्रिमंडल में बैठा किरदार कौन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे से जो चाहो मांग लो, तो हम भी प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी मांग को मान लो और इस सीबीआई की जांच करा लो इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके खुद पैटर्न है मुख्यमंत्री, उसके एक दो नहीं पांच पांच लोग निलंबित हो और तीन तीन लोग जेल में जाए और उसके बाद भी ये कह के एसओजी जांच पूरी कर लेगी। एसओजी जांच अगर इसका अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की तरफ उंगलियां नहीं उठती तो शायद एसओजी जांच पूरी कर लेती। राजस्थान में जहां कार्रवाई हो रही है वहां सीबीआई जांच की मांग है, गुजरात जहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इनकी पार्टी का एक्स मेयर वो भर्ती परीक्षा जो करवाते हैं उस बोर्ड का चेयरमैन है, अभी तीन दिन पहले क्योंकि बजट सत्र आ रहा है उसने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, इज्जत के साथ घर गया है। अब वहां पे सीबीआई की जांच की मांग नहीं होगी, व्यापम घोटाला भूल गए के बीजेपी के लोग। पहला प्रश्न तो ये है कि सरकार सीबीआई से डरती क्यों है, सीबीआई पे सवाल भी खड़े करती है और सीबीआई को जांच भी देती है। कमलेश प्रजापति की दी, विष्णुदत्त बिश्नोई की दी, अलवर की निर्भया की दी, तो यदि सीबीआई से ऐतराज है तो ये जांचें क्यों दी? उनकी पुलिस सक्षम नहीं है इसलिए सीबीआई को दी, या पीछा छुड़ाना चाह रहे थे बदनामी के डर से?